Hello everyone, my name is Miss Cheryl Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 1, Someone Sees You. Someone sees you yani kya? Koi to aapko dekh raha hai. Iska yani ki, there is a story about it. So we'll learn what it is exactly, ki hame ye story se kya seekh milti hai. Theek hai? Once upon a time there was a dishonest farmer. Dishonest यानी कि वो honest नहीं था उसके चीज़ों में. So he would enter into his neighbor's fields and steal some wheat. वो ईमानदार नहीं था अपने काम से और वो क्या करता था, अपने नेबर के खेत में जाके उसके जो खेती जो कि चीज़ें रहती थी उसे भी चुराता था. If I take just a little from each field, no one will notice and it will add up to a good pile of wheat for me, he told himself. क्या बोल रहा था कि मैं सबकी खेती में से थोड़ी थोड़ी दाने ले लूँगा, grains ले लूँगा, तो मेरा जो है एक अच्छा amount of wheat, rice, जो भी वो उगाते हैं एक अच्छा चीज़ हो जाएगा मेरे लिए, और प्लस मैं सबके इसमें से थोड़ा थोड़ा लूँगा तो किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा इस बात को. सो ऑन डार्क नाइट्स ही टर्न द फील्ड्स टू स्टील, ही टुक हिज यंगेस्ट डॉटर विथ हिम. डॉटर यू स्टैंड गार्ड एंड कॉल आउट इफ एनीवन सीज मी. वो क्या करता है, एक दिन एक रात को अपने एकदम जो बेटी रहती है ना, बेटी यानी यंगेस्ट डॉटर यानी कि इससे भी पहले और भी बच्चे हैं, लेकिन जो लास्ट वाली डॉटर रहती उसको वो अपने साथ लेके जाता है और बोलता है कि बच्ची तू देखते रहना कि कोई आता है, या इफ़ समवन कम्स मतलब कोई आता है तो तू मुझे आवाज़ दे देना, तो एज अ गार्ड यहाँ पे खड़े रहे. द मैन एंटर्ड द फर्स्ट फील्ड एंड बिगेन रीपिंग द क्रॉप्स. वो आदमी क्या करता है, एक पहले खेती में जाता है और क्रॉप्स को निकालना चालू करता है. The little girl called out, Father, someone sees you. छोटी बच्ची आवाज़ देती है, वो बोलती है डैडी आपको अगर किसी ने देखा तो. The man looked all around but he saw no one. So he gathers his stolen wheat and moved to a second field. वो आदमी खड़े रह के देखता है, सब जगह देखता है लेकिन उसे कोई नहीं देखने वाला होता है, इसीलिए फिर वो वापस से वो जो वीड उसने एक फील्ड से चुराया था, एक खेती से, वो वापस दूसरे खेती में जाता है चुराने के लिए. देन फादर समवन सीज यू, द चाइल्ड क्राइड अगेन. बच्ची फिर से रोने लगी, रोकर बोलने लगी डैडी अगर आपको किसी ने देखा तो. द मैन स्टॉप्ड एंड लुक्ड ऑल अराउंड अगेन बट ही सॉ नो वन. फिर से उसके डैडी रुक जाते, फिर से हर जगह पे चेक करते लेकिन कोई उसे दिखा नहीं कि उसे कोई देख रहा है. ही मूव टू अ थर्ड फील्ड. आफ्टर सम टाइम द डॉटर कॉल्ड अगेन, फादर समवन सीज यू. तीसरी बार फिर से अगेन वही चीज़ रिपीट होता है, लेकिन फिर भी देख. द फादर स्टॉप हिज रीपिंग, लुक्ड अराउंड एंड वंस अगेन सॉ नो वन. फिर एक बार वो रुकता है, फिर एक बार चेक करता है लेकिन कोई नहीं उसे देखता है. सो वाई डू यू कीप सेइंग समवन सीज मी. वो पूछने लग जाता है बेटी को कि तू मुझे बार बार क्यों बोल रही है कि समवन सीज मी, तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हें कोई देख रहा है. ही एंग्रीली आस्क्ड हिज डॉटर. गुस्से से पूछता है कि ऐसे क्यों बोल रही है बार बार. आई हैव लुक्ड एवरीवेयर एंड आई डोंट सी एनी वन. वो बोलता है कि मैंने हर जगह पे देखा लेकिन मुझे किधर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है. फादर विस्पर्ड द चाइल्ड, समवन सीज यू फ्रॉम अबाव. फादर विस्पर्ड द चाइल्ड, विस्पर्ड यानी कि क्या होता है, विस्पर्ड यानी कि स्पीक सॉफ्टली. बेटी बोलती है डैडी आपको कोई तो ऊपर से देख रहा है. बेटी का कहना होता है कि आपको गॉड देख रहे हैं, गॉड को हर एक चीज़ से दिखती है, चाहे इंसान हमें देखे या ना देखे, गॉड हमें हमेशा देखते हैं. इसलिए बेटी का कहना है कि कोई तो तुम्हें ऊपर से देख रहा है. अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज. सो वी हैव सेंड यू दी आंसर कीज, यू हैव टू राइट डाउन दी आंसर्स फ्रॉम दैट. चैप्टर सेकेंड, प्लीजिंग वेज. प्लीजिंग वेज यानी कि गुड मैनर्स. ओके,
So, no matter where you are, at home, at school, or with friends, practicing good manners is important. आप चाहे कहीं भी हो, चाहे घर पर हो, या चाहे अपने दोस्त के साथ हो, या फिर आप स्कूल में हो, लेकिन हमेशा गुड मैनर्स सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है. ओके बच्चों, व्हेन यू प्रैक्टिस गुड मैनर्स, यू शो दैट यू आर रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. जब आप अच्छी बातों को, गुड मैनर्स को सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ये जताता है कि आप सामने वाले के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हो. हियर आर सम गोल्डन रूल्स ऑफ गुड मैनर्स. Golden rules of good manners, ठीक है. So we learn what is good manners that are used at home. So be respectful in your home. घर पे एकदम respect के साथ रहना चाहिए, अच्छे से शांत रहना चाहिए, मस्ती नहीं करना चाहिए, हाँ, parents को सताने का नहीं. ये अगर आप ऐसे सब चीज़ें करोगे, घर पे छोटे मोटे काम करोगे, तो उसे कहते हैं अच्छा बच्चा और बहुत रिस्पेक्ट देने वाला बच्चा होता है वो. रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड ओबेइंग देम. देखा, रिस्पेक्टिंग यानी कि बच्चों, बड़ों की बातें मानोगे, उनकी बातों सुनोगे, उन्हें रिस्पेक्ट करोगे, तो उन्हें कहा जाता है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड ओबेइंग देम. बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो. शेयरिंग एंड नॉट कीपिंग गुड थिंग्स टू योरसेल्फ. शेयरिंग, हर चीज़ में आपको शेयर करना आना चाहिए. हर चीज़ आपको मिल बांटकर खाना चाहिए, मिल बांटकर यूज़ करना चाहिए, और कीपिंग गुड थिंग्स टू योरसेल्फ. मतलब कोई कोई करते हैं ना कि अच्छी अच्छी चीज़ें खुद के लिए रखते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें दूसरों को देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है. हेल्पिंग द फैमिली बाई डूइंग योर कोर्स. हेल्पिंग द फैमिली बाई डूइंग योर कोर्स. हमेशा अपने फैमिलीज़ को छोटे मोटे चीज़ों में हेल्प करना चाहिए आपको. हेल्प इन कीपिंग द होम क्लीन. क्या करना चाहिए आपको, हेल्प करना चाहिए घर को क्लीन रखने में. ओके, नेक्स्ट इज़ मैनर्स एट स्कूल. मैनर्स एट स्कूल, जो मैनर्स आपको स्कूल में यूज़ करना चाहिए वो है सेइंग गुड मॉर्निंग आफ्टरनून इफ़ यू आर वॉकिंग पास्ट एन एल्डर. जब आप स्कूल में मॉर्निंग में या आफ्टरनून में बड़े लोग के आसपास से जाते हो, जैसे टीचर्स या फिर कोई भी हो सकता है ना, प्रिंसिपल मैम हो सकती है या प्यून हो सकते हैं, किसी को भी, आपको जो बड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट देकर क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. नेक्स्ट, आस्किंग इफ़ यू कैन बोरो समथिंग एंड नॉट जस्ट टेकिंग इट अवे. कभी भी आप कुछ चीज़ें बोरो कर दें, बोरो यानी कि जब भी कोई चीज़ आपको यूज़ करनी, जैसे कि आज आपने पेंसिल नहीं लाया, तो आपको अगर चाहिए पेंसिल फ्रेंड्स के पास, तो आपको क्या बोलना है, कैन आई हैव अ पेंसिल. मतलब क्या मुझे एक पेंसिल मिल सकता है. लेकिन अगर वो पेंसिल देता है आपका फ्रेंड, तो आपको उस पेंसिल को रिटर्न देना चाहिए आपका काम होने के बाद. कोई कोई क्या करते हैं, खुद के लिए ले लेते हैं, देते ही नहीं है रिटर्न. वो भी एक गुड मैनर्स नहीं है बच्चों. ओके, रिटर्निंग थिंग्स दैट यू हैव बोरोड. जो भी चीज़ें आपने लिया है अपने इस्तेमाल करने के लिए, तो आपको वही चीज़ आपको रिटर्न भी देना चाहिए. Waiting for your turn before you speak. आपके टर्न के लिए हमेशा रुकना चाहिए जब आपको बात करना है. Saying excuse me and not pushing past someone. हमेशा आते जाते वक्त कोई अगर आ रहा है या जा रहा है, आपके रास्ते में कोई खड़ा है, तो आपको क्या बोलना है, excuse me. या फिर एक्सक्यूज में बिना बोले आप सामने वाले को धक्का मार के नहीं जाना चाहिए. ओके, होल्डिंग द डोर ओपन फॉर द पर्सन कमिंग स्पेसिफिकली इफ़ ही इज़ कैरिंग समथिंग. अगर आप देख सकते हो कि कोई कोई इंसान या कोई भी हो सकता है कि वो सामने वाला दोनों हाथ से अपना लगेज उठा रहा है, बुक्स हो सकते हैं, या आपके घर पे कभी मम्मी सामान ला रही हो सकती है, आप देख रहे हो कि उनके दोनों हाथ उस सामान पे लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, दरवाज़ों को होल्ड करके रखना चाहिए. ये सारे गुड मैनर्स होते हैं. नेक्स्ट है मैनर्स व्हेन यू आर आउट. जब आप बाहर होते हो, घर के, स्कूल के बाहर होते हो, तो ये मैनर्स आपको फॉलो करने हैं. वो क्या है, रिस्पेक्ट अदर्स.
आपको दूसरों की आजू बाजू जितने भी लोग हैं आपके आसपास में, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बी पोलाइट टू अदर्स, हमेशा हर एक के साथ आपको हम्बली बात करना चाहिए, पोलाइटली बात करना चाहिए। हमेशा आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग झगड़ा करके बात करते, हमेशा गुस्सा दिखाते। आपको हर एक लोगों से प्यार से बातें करना चाहिए। अगर आप प्यार से बात करोगे ना बच्चों, तो सामने वाला कभी आपका बात मानेगा ऐसा होता नहीं है। हमेशा जब हम शांति से बात करेंगे तो कोई भी हमें हैप्पीली मदद करना पसंद करेगा, लेकिन आप झगड़ा करोगे, गुस्सा करोगे तो नो वन विल लाइक टू हेल्प यू। लेट एन ओल्डर पर्सन हैव योर सीट ऑन बसेस एंड ट्रेन्स। जब आप बसेस ट्रेन्स में ट्रैवल करते हो, इफ़ यू सी कोई तो ओल्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, जो आपसे बुजुर्ग है, आपको उठकर अपनी सीट उनको देना चाहिए। दैट इज़ अ गुड मैनर्स बच्चों। क्या होता है जब हम ओल्ड हो जाते हैं ना, तो वी आर नॉट एबल टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम। सो जब आप देखते हो कि हम बैठे हैं और कोई ओल्ड पर्सन आ जाता है, अपने आप आपको उठकर उनको अपनी सीट दे देना चाहिए। क्यू अप क्वाइटली एंड डोंट पुश। जब भी आप क्यू में खड़े रहते हो, क्यू यानी कि लाइन में खड़े रहते हो, शांति से खड़े रहना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं मारने का। ओके, डू नॉट मेक फन ऑफ एनी वन, एवरी वन हैज फीलिंग्स। कभी भी किसी का मजाक उड़ाने का नहीं, सभी को हर्ट होता है, दुख होता है ना। डू नॉट टॉक व्हेन यू आर चीविंग फूड। आप जब खाना खा रहे हो तभी आपको बातें नहीं करना चाहिए। सो गुड मैनर्स इज ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड योरसेल्फ। गुड मैनर्स जो है ये हमें खुद को और दूसरों को रिस्पेक्ट करना सिखाता है। इट मेक्स यू प्लेजेंट पर्सन टू बी अराउंड। दैट मेक्स यू एक बहुत अच्छा आदमी या औरत आपको बनाता है व्हेन यू रिस्पेक्ट अदर्स, ओके, एंड योरसेल्फ। सो नेक्स्ट देयर इज एन एक्सरसाइज। सो वी हैव सेंड यू द आंसर कीज, राइट डाउन द एक्सरसाइज फ्रॉम द आंसर की, ओके। सो नाउ वी लर्न चैप्टर 3, पीटर एंड द ट्रेजर बुक, ओके। सो देयर इज अ स्मॉल स्टोरी ऑन पीटर एंड द ट्रेजर बुक, ओके। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ये आपने सुना है किधर? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है हमेशा अच्छा ही भलाई उत्पन्न करती है, ठीक है। सो पीटर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, हिज फादर वॉज अ फार्मर एंड दे वर वेरी पुअर। वन डे पीटर वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हिज फ्रेंड्स इन द वुड्स। सडनली ही गॉट लॉस्ट, ही ट्राइड टू फाइंड हिज फ्रेंड्स बट कुड नॉट डू सो। इट वॉज गेटिंग dark, so he decided to spend the night in the woods. He climbed onto the tree to protect himself from the wild animals. Next morning he started searching for his friends. Walking down the woods, he saw a book lying under a tree. The book had a beautiful cover. When he read a few pages of the book, he found that it belonged to the king of the nearby kingdom. It had secrets about the treasure of that kingdom. So, इधर क्या है, एक लड़का होता है पीटर नाम का, वो एक छोटे से गांव में रहता है। उसके डैडी जो होते हैं फार्मर होते, खेती बाड़ी करते हैं। ये लोग एक गरीब परिवार के होते हैं। सो एक दिन क्या होता है, पीटर और उसके फ्रेंड्स वो लोग लपा छुपी खेलते हैं, हाइड एंड सीक, वुड में ही खेलते हैं, जो लकड़े जहाँ पे आसपास में झाड़ है ना, वहाँ पे वो लोग खेलते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो वो क्या डिसाइड करता है कि मैं झाड़ पर ही रह लूँगा आज के दिन। तो झाड़ पे चढ़ जाता है ताकि वाइल्ड एनिमल्स से बच पाए, कोई वाइल्ड एनिमल्स उसे हार्म ना करे, इसीलिए वो झाड़ पे चढ़ जाता है। दूसरे दिन फिर अपने फ्रेंड्स को ढूंढना चालू करता है। ढूंढते ढूंढते क्या मिलता है उसे,
उसे झाड़ के वहाँ पे एक अच्छा सा बुक दिखाई देता है। वो बुक उठाता है तो देखता है कि उसका कवरिंग जो रहता है ना, बाहर का कवरिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, अच्छा होता है। तो वो रीड करना चालू करता है। जैसे ही 2-4 पेजेस रीड करता है, उसे मालूम पड़ता है कि ये आसपास के राजा की बुक है, वो राजा की बुक है, और प्लस उस बुक में सारी खुफिया बातें, सीक्रेट बातें लिखी रहती हैं कि कौन सा खजाना कहाँ पे है, सब चीज़ें उसमें लिखा रहता है। पीटर वॉज पुअर बट ही वॉज नॉट ग्रीडी। पीटर जो था गरीब था लेकिन लालची नहीं था, ग्रीडी यानी कि लालच, ठीक है। ही वॉज ऑनेस्ट, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था। ही सेड टू हिमसेल्फ, आई शुड रिटर्न दिस बुक फॉर इट टू इट्स ओनर। वो खुद से बातें करता है, बोलता है कि ये बुक जो है मुझे इसके ओनर को देकर आना चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी पीटर रीच दैट किंगडम। ही टोल्ड द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द किंग स्टोरी टू द किंग। द किंग स्माइल्ड एंड सेड, पीटर यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, आई शैल रिवॉर्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी। कई घंटों के बाद, कई समय के बाद वो किंगडम के पास पहुंचता है और पीटर जाके उस किंग को पूरा स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ और मुझे आपकी ये किताब मिली। तो किताब मिलने के बाद किंग जो है बहुत खुश हो जाता है, स्माइल करता है और बोलता है कि तुम बहुत ईमानदार बच्चे हो, आपके ईमानदारी के लिए मुझे कुछ तो रिवॉर्ड देना पड़ेगा आपको। रिवॉर्ड यानी कि गिफ्ट ऑफ वन सर्व्स और एफर्ट्स, मतलब किसने एफर्ट लिया या उसको रिवॉर्ड देना, गिफ्ट देना। यू फॉर योर ऑनेस्टी, तेरे ईमानदारी के लिए मुझे कुछ तो तुझे गिफ्ट देना होगा। पीटर वॉज रिवॉर्डेड विद 500 गोल्ड कॉइन्स। द किंग्स मैन एस्कॉर्टेड पीटर बैक टू हिज होम। हिज फैमिली वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक। एस्कॉर्टेड यानी कि टू गो अलॉन्ग विद समवन। किंग ने बोला कि उनके आदमियों को, सिपाही को बोला कि इसके साथ इसके घर तक जाइए और इसे छोड़कर आइए, ठीक है। और उसके फैमिली जो थे, पीटर के फैमिली, उसे देखकर बहुत खुश हो गए कि वो रिटर्न आ गया। सिंस देन पीटर एंड हिज फैमिली लिव हैप्पीली इन द लिटिल होम। उसके बाद पीटर और उसके फैमिली बहुत खुशी खुशी रहने लग गए। सो ये थी पीटर की ऑनेस्ट और ईमानदारी की स्टोरी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हाउ वॉज इट, डिड यू लाइक इट? सो नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। सो ऑल दिस यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम द योर आंसर कीज विच वी हैव सेंड यू। ओके, थैंक यू सो मच।